नमस्कार क्रिकेट फैंस, दिस इज स्पोर्ट्स टाइगर प्रेजेंट्स ओवरसीज 11 ऑफ द वीक, जिसमें हम पूरे हफ्ते के 11 ऐसे ओवरसीज खिलाड़ी बताने वाले हैं जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं फील्ड पे। तो बिना किसी देरी के सीधा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ओपनर्स की। ये दोनों होंगे फाफ डुप्लेसी और एरन फिंच। फाफ डुप्लेसी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते आए हैं इस पूरे ही टूर्नामेंट में। जब भी चेन्नई को ज़रूरत पड़ी है उनकी, ही हैज़ कम टू द फोर, ही हैज़ डिलीवर्ड, और ऑरेंज कैप की रेस में भी हैं इस बार फाफ डुप्लेसी। दूसरे पे होंगे एरन फिंच, जो इस टीम के कप्तान भी होंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कप्तान हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसलिए वी हैव मेड हिम द कैप्टन। झलक दिखी है फॉर्म की दो मैचेस में, ही इज़ बीन गुड, पोटेंशियल दिखाया है कि आगे जाके डिलीवर कर सकते हैं बैंगलोर के लिए। तो वो होंगे दूसरे हमारे ओपनर। फिर होंगे हमारे विकेट कीपर, ऑफकोर्स ओवरसीज 11 हो और उनमें ए बी डिविलियर्स का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ए बी डिविलियर्स हमेशा की तरह रिलायबल प्लेयर हैं काफ़ी, जब भी ज़रूरत पड़े आप ए बी डिविलियर्स की तरफ देखें, आपको डिलीवर करके देंगे, परफॉर्म करके देंगे। इस बार भी हमने सेम ही चीज़ देखी है। फिर हम चलते हैं ओयन मॉर्गन चौथे नंबर पे। उनकी भी झलक दिखी है अच्छी परफॉर्मेंसेस की, धीरे धीरे ही इज कमिंग इन टू हिज ओन और जल्द ही शायद अपने फुल फ्लो में आ जाएंगे एंड वील सी दी ओयन मॉर्गन वी हैव नोन फॉर सो लॉन्ग। इसके अलावा अगर हम पांचवें नंबर की बात करें तो ऑलराउंडर्स पे पहुंचते हुए कायरन पोलार्ड होंगे। ही इज बीन वेरी डिस्ट्रक्टिव दिस सीजन एंड ही इज जस्ट बैश द बोलर्स अराउंड अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या एंड सम अदर्स इन द साइड। गेंदबाजी भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत और वहाँ पे भी एक आधी विकेट और रनों का बहाव रोक रहे हैं। सो कायरन पोलार्ड हैज़ बीन सो डिस्ट्रक्टिव, ही हैज़ टू बी इन दिस टीम फॉर श्योर। देन आफ्टर दैट राशिद खान, ऑफ कोर्स राशिद खान वन ऑफ द बेस्ट T20 बोलर्स इन द मॉडर्न एरा। झांसा दे देते हैं बल्लेबाजों को अपनी लेग स्पिन से, गूगली से, पता ही नहीं चलता है कब लेग स्पिन है, कब गूगली है, कब स्ट्रेटर वन है, कब फ्लिपर है, क्योंकि डिसगाइज बहुत अच्छा करते हैं। ही इज़ वेरी डिसेप्टिव राशिद खान, ही इज़ इन आर टीम ऑफ कोर्स। देन देयर इज जोफ्रा आर्चर, ही इज़ बीन फैबुलस, 150 की स्पीड तो ऐसे फेंकते हैं जैसे जैसे कंचे फेंक रहे हो इतनी आसानी से, और ही जस्ट मेक्स बोलिंग लुक सो ईजी दिस गाइज जोफ्रा आर्चर। बल्ले के साथ इतना ठोक रहे हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव रहे हैं बल्ले के साथ भी। शेल्डन कोटरेल को 30 रन ठोके थे एक ओवर में, ही इज़ बीन एब्सोल्युटली फैबुलस। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट होंगे हमारे गेंदबाजों से अगर हम शुरू करें, ही इज़ बीन एब्सोल्युटली फैबुलस अगेन, वन ऑफ द बेस्ट बोलर्स इन द वर्ल्ड एज एंड ही हैज शोन अगेन व्हाई ही इज़ अप देयर। किसी और गेंदबाज को स्विंग मिले ना मिले, ट्रेंट बोल्ट को स्विंग ज़रूर मिल रहा है चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, और जब नहीं मिलता है तो अडैप्ट बहुत अच्छा करते हैं, क्रॉस सीमर डाल देते हैं या फिर स्लोअर वन कटर्स डाल देते हैं। ट्रेंट बोल्ट मुंबई के लिए काफ़ी बेहतरीन रहे हैं इस सीज़न। देन कागिसो रबाडा, जेम्स पैटिनसन, एंड्रिक नॉटिए, ये तीन ट्रेंट बोल्ट के अलावा जो तीन पेसर्स रहेंगे। कागिसो रबाडा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इस टीम में वो क्यों हैं, पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं एंड आई थिंक कागिसो रबाडा विल बी द मोस्ट वाइटल बोलर फॉर दिल्ली दिस सीजन। जेम्स पैटिनसन, इतने एजिड खिलाड़ी को इतने पैशन और इंटेंसिटी से खेलते हुए देखकर हर क्रिकेट फैन को मज़ा आएगा, और जेम्स पैटिनसन को देखकर भी इस बार बहुत मज़ा आया है। ही इज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर मुंबई दिस सीज़न। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रबाडा के पार्टनर दक्षिण अफ्रीका से आते हैं एंड्रिक नॉटिए, अगेन ही इज़ रैम्ड अप द पेस। इस बार पेस बहुत देखने को मिल रही है, जो गेंदबाज 150 भी डाल सकते हैं आराम से। एंड्रिक नॉटिए ने रन्स भी रोके हैं, विकेट भी ली हैं and he's turning out to be a good bowler for Delhi. दोबारा आपके लिए 11 पढ़ देता हूँ पूरी। फाफ डुप्लेसी, एरन फिंच, ए बी डिविलियर्स, ओयन मॉर्गन, कायरन पोलार्ड, राशिद खान, जोफ्रा आर्चर, ट्रेंट बोल्ट, कागिसो रबाडा, जेम्स पैटिनसन एंड एंड्रिक नॉटिए। दिस वॉज स्पोर्ट्स टाइगर प्रेजेंट्स ओवरसीज 11 ऑफ द वीक। वील ब्रिंग दिस टू यू एवरी वीक, सो स्टे ट्यून्ड।